हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 नंबर सीरीज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एसबीआई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगर इस टाइप का नंबर सीरीज एग्जाम में आए तो आप उसको बहुत ही जल्दी कर पाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है। तो जैसे सीरीज के क्वेश्चन में देखो, ज़्यादातर मैक्सिमम लॉजिक जो क्लरिकल लेवल में पूछा जाता है, आप देखोगे ज़्यादातर डिफरेंस का अप्रोच होता है या फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस का अप्रोच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये नंबर्स को देख के देखो आप थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये नंबर 4 है और ये नंबर क्या है 160। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है मल्टीप्लाई का लॉजिक यूज़ होगा। और मान लो अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर कम होता और इंक्रीज हो रहा होता, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं वहाँ पे एडिशन का लॉजिक ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं मल्टीप्लाई वाला। तो देखो यहाँ पे मुझे ये नंबर ज़्यादा कंफर्टेबली समझ में आ रहा है कि ये जो है इंटू टू करके 5 2 10 प्लस 2 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी उससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसको क्या किया 4 1 4 प्लस 1 कर दिया है, मतलब लॉजिक कहीं ना कहीं क्लियर है। देखो इसको अगर करेंगे तो क्या हो गया इंटू 3 36 प्लस 3 किया है, मतलब यहाँ पे क्या किया होगा इंटू 4 करके प्लस 4 किया होगा। इसका मतलब इसके बाद का जो भी नंबर होगा उसको मुझे क्या करना है इंटू 5 करके 5 ऐड कर देना है। तो 160 का 5 टाइम्स जो होता है कितना होगा 16 5 80, मतलब 800 होगा, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा 805। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लॉजिक बहुत ही जल्दी क्लिक कर जाता, और इसको अगर एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गया तो 20 सेकेंड एनफ था इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ था। देखो ये सेकंड क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे नंबर सेम है, मतलब डिफरेंस का लॉजिक कहीं ना कहीं यूज नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 0 आ गया। तो दूसरा हम लोग मल्टीप्लाई का लॉजिक सोच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स है और ये इसका 4 टाइम्स है, तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर ये 2 टाइम्स है, ये कितना है देखो इसका 1 टाइम है, और यहाँ पे क्या किया इसका हाफ कर दिया, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डबल होता जा रहा है, हाफ 1 2, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है ये 4 हो जा रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली जो इसके बाद का नंबर आएगा वो क्या होगा, वो 8 टाइम्स होगा। तो 32 का 8 टाइम्स करो, देखो 30 का 8 टाइम्स 240 होता है और 2 का 8 टाइम्स 16 होता है, तो 240 प्लस 16, इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आने वाला था वो कितना आने वाला था 256 आने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, कभी भी देखना अगर आपको दो नंबर एक जैसा दिखे ना, तो ये मल्टीप्लाई हाफ से, 1 से 1.5 से, इससे मल्टीप्लाई का ही लॉजिक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, यहाँ पे आप देख रहे हो 11 17 29 53 क्वेश्चन मार्क्स 197, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रहा है नंबर। 11 देखो और यहाँ पे 197, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, गैप भी ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक भी हो सकता है, डिफरेंस का भी आप देख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो लॉजिक से बना सकते हैं मुझे जैसा लग रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस कितने का है 6 का है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो माइनस करोगे तो 2 और 1 12 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इन दोनों को माइनस करो तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 3 से 13 से गया 4 हो गया, यहाँ पे 2 24, मतलब मुझे दिख रहा है कि जो डिफरेंस हो रहा है 6 12 24, मतलब 6 का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है वो इसका 2 टाइम्स आने वाला है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो नंबर क्या होगा 48 का गैप होगा। तो सिंपली 53 में 48 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये 9 प्लस 1 10, मतलब 101, ये एक लॉजिक हो सकता है। दूसरा एक लॉजिक और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते थे, जैसा कि मुझे दिख रहा है देखो अगर मैं मल्टीप्लाई का लॉजिक देखूँ तो 11 का अगर मैं 2 टाइम्स करता हूँ तो 22 होता है, उसमें से 5 माइनस करने से क्या मिल रहा है मुझे 17 मिल रहा है। दूसरा अगर मैं 17 का 2 टाइम्स करूँ तो 34 होता है, 34 से फिर से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये दिख रहा है 29। यहाँ से सिमिलरली यहाँ पे भी सेम लॉजिक होना चाहिए, इंटू 2 करोगे तो 58 होता है माइनस 5, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग वही कर सकते थे इंटू 2 करके माइनस 5 कर सकते थे। तो 53 का 2 टाइम्स होता है 106 और यहाँ से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 101 आएगा। देखो एक ही क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे लॉजिक से बना सकते हैं सीरीज का, जो आपके माइंड में क्लिक करे आप उससे क्लिक उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 13 18 28 71, तो यहाँ पे देखो गैप बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, तो एक बार हम लोग डिफरेंस से चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ का डिफरेंस 2 का दिख रहा है, ये यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिखा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद तो खैर गैप है, मतलब क्वेश्चन मार्क्स ही है, तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि 2 5 10 कैसे वेरी कर रहे हैं। तो एक बार और डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, तो हो सकता था कि इसके बाद जो आने वाला हो क्या हो वो 7 का हो,
ठीक है, मतलब डबल डिफरेंस का अप्रोच है यहाँ पे, तो 10 और 7 मतलब यहाँ पे कितना होगा 17। तो एक बार आप देखो 28 में 17 ऐड करके देखो, 28 में 10 ऐड करेंगे 38 प्लस 7 45, 45 हो सकता है आंसर, एज हम लोग पूरे अच्छी तरह से कंफर्म नहीं है तो दूसरे वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 17 मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7 के बाद क्या आने वाला है 9, तो 17 प्लस 9 करोगे तो क्या होगा 26, तो आप सिंपली चेक कर लेना 45 में 26 ऐड करने से 71 आता है कि नहीं, अगर आ रहा है तो ही आपका लॉजिक क्लियर है। तो देखो 45 में 20 ऐड करोगे तो 65 आएगा, और 65 प्लस 6 क्या आता है 71, मतलब मेरा लॉजिक सही है। तो यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे ये डबल डिफरेंस का अप्रोच था, मतलब एक बार आपने डिफरेंस निकाला, लॉजिक नहीं समझ में आया तो दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 14, 45, 84। फिर से मुझे दिख रहा है ये 5 है और ये 184, गैप बहुत ज़्यादा है, इंक्रीजिंग है, मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 5 और 6 मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इंटू 1 प्लस 1 का लॉजिक है, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6, इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो इंटू 2 प्लस 2, 6 2 जै 12 प्लस 2 क्या हो रहा है 14 हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 हो रहा होगा, 14 3 जा 42 प्लस 3 45, इंटू 4 प्लस 5, इसका मतलब जो ये आंसर होगा वो क्या होगा इंटू 5 प्लस 5 होगा। तो अभी इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देना है। तो देखो 180 का 5 टाइम्स जो होता है वो कितना होता है 900 होता है, 4 का 5 टाइम्स 20 मतलब ये हो गया 920, और उसमें 5 ऐड करना है, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो कितना होगा 925 होगा। ठीक है, तो देखो सीरीज में जैसा कि आपने देखा ये 5 क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से हिंट पकड़ पा रहे थे, तो हम लोग जस्ट यही देख रहे थे कि अगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा का हो जा रहा है और इंक्रीजिंग है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का जो है लॉजिक यूज़ हो रहा होगा, और अगर वो डिक्रीजिंग होता है गैप बहुत ज़्यादा होता है तो आप देखते हैं वहाँ पे डिवाइड का लॉजिक यूज होता है, और अगर डिफरेंस जो है इंक्रीजिंग में कम कम का हो रहा है तो वहाँ पे एडिशन होता है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है डिफरेंस कम है तो वहाँ पे क्या होता है कहीं ना कहीं माइनस का अप्रोच होता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तब आप देखोगे सीरीज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है।